आगे बढ़ते हैं और धौलपुर से आपको खबर बता दें, जहां बारिश की वजह से परेशानियां लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का सैलाब है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये बड़ी खबर धौलपुर से, जहां आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबल पुल के पास NH44 धंसा है। हाईवे धंसने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, अधिकारियों ने NHAI को इस घटना की सूचना दी है। धौलपुर जिले में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बड़ी घटना हुई है। चंबल पुल के पास NH44 धंसा है। हाईवे धंसने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अधिकारियों ने NHAI को इस घटना की सूचना दी है। धौलपुर से संवाददाता नीरज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हाईवे धंसने की वजह से जिला प्रशासन में भी हड़कंप है, क्या कोई व्यवस्था यहाँ पर? देखिए, बुधवार देर शाम को ये अचानक आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात NH44 चंबल पुल के पास अचानक धस गया, तो जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप भी मच गया। मामले को देख PWD विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने जिला कलेक्टर जो भी अधिकारी उनको अवगत कराया। जिला प्रशासन ने इस मामले की जो सूचना थी पूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को दी, तो वहां से भी टीम यहाँ पर पहुंच गई। तो फिलहाल PWD और स्थानीय प्रशासन ने पेच वर्क उसका शुरू करा दिया है, और जो कह सकते हैं मोरम और पेच वर्क द्वारा अस्थाई तौर पर यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, और जो जो रूट है ट्रैफिक है उसको अगली साइड जो सेकंड रूट है उस पर डाइवर्ट यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो PWD के जो अधिकारी ऑफिसर्स हैं, जैसा उन्होंने हमें बताया कि जो सीलन बैठ रही है हाईवे में, जो लगातार बारिश हो रही है धौलपुर जिले में, उसकी वजह से ये हाईवे यहाँ पर दशा हुआ है। ठीक है नीरज, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे।